Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. मसीह खुदावन में मेरे अज़ीज़ों, एक बार फिर आपकी खिदमत में पाक कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। कोरोना के दिनों में मैंने पाक कलाम के जितने भी मौजूआत पर लफ़्ज़ाई की वो इंतहाई मुख्तसर थे। अगर आपने गौर फरमाया हो तो कोई मेरी वीडियो 10 मिनट की थी, कोई 12 मिनट की। लेकिन आज जिस मौजू को मैं लेकर आया हूँ वो गुज़श्ता मौजूआत से कदरे तवील है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ये आपको कई जहनी अमराज, जिनमें स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया, वरीसम, फिक्रमंदी, इसके अलावा बेसुकूनी, मायूसी, नाउमीदी से निकलने में बड़ी हद तक मावन साबित होगी। क्योंकि पाक कलाम, जिस पर मेरा और आपका यकीन है, वो हमारे लिए दो धारी तलवार है जो नस नस और गूदे गूदे से होकर गुजर जाता है। और जब यही पाक कलाम हमारे नस नस और गूदे गूदे से होकर गुजरता है, जब हमारे जहन और दिल के ख्यालों में से गुजरता है, तो वो मनफी ख्यालात और नाउमीदी के जितने भी रुझानात हैं उनको निकाल कर बाहर कर देता है और उनकी जगह पर उम्मीद, मुसर्रत, खुशी, तसल्ली और इत्मीनान लेकर आता है। इसलिए जितने भी मायूस लोग हैं और जितने भी नाउमीद हैं वो ज़रूर ये वीडियो देखें। और ये बिलखसूस मैंने नौजवानों के लिए बनाई है। नौजवान जो इन दिनों COVID-19 के बायस कुछ ज़्यादा ही डिप्रेसिव मूड में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारामद है। अदद की किताब और उसका 13 और 14 बाब है, इसमें एक वाकया है। मैं ये दोनों अबवाब या चैप्टर्स आपके सामने नहीं पढ़ सकता क्योंकि वक्त की कैद है और फिर वीडियो मज़ीद तवील हो जाएगी, तो मैं उस वाकये को वैसे ही आपके सामने बयान कर देता हूँ। वाकया कुछ ऐसे है कि हम जब पढ़ते हैं अदब की किताब उसका 13 बाब और उसकी पहली 2 आयात में, तो हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र से रिहाई पाकर अपने सफ़र के दौरान दश्ते फरान में उतरते हैं, यानी मुल्क के कनान के करीब पहुंचते हैं, यानी वादा की सरजमीन के बॉर्डर पर, सरहद पर जब पहुंचते हैं, तो खुदा मूसा से हम कलाम होकर फरमाता है कि तू हर एक कबीले में से एक रईस या सरदार या बाअसर शख्स मुल्क कनान को भेज ताकि वहां दाखिल होने से पहले उसका हाल दरियाफ्त करें। अब खुदा चाहता था कि बनी इसराइल को अंदाजा हो कि जिस वादा की सरजमीन के लिए उन्होंने इतनी कष्ट काटी है, इतनी तपस्या से, इतनी अजियत से गुजरे हैं, वो वादा की सरजमीन कैसी होगी। तो वो उनको एक आइडिया देना चाहता था, एक टेस्ट देना चाहता था। जैसे हम भी बच्चों को कहते हैं बाज़ुकात कि अगर आप इम्तहान की तैयारी बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तो उसके बाद आपका जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम आपको एक बहुत सरप्राइजिंग और प्लेजेंट जो है वो प्रेजेंट देंगे। इसी तरह खुदा को भी बताना चाहता, खुदा हमारी माँ है, खुदा हमारा बाप है, कि आपको जिस जिस मुसीबत से आप गुजर के आए हैं, आप देखो उसका फल देख लो, देख लो ये मुल्क इस कदर खूबसूरत हसीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जस्ट यू वॉन्टेड देम टू टेस्ट इट, जस्ट यू वॉन्टेड देम टू सी। सो खुदावन के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के 12 कबाइल थे और उन 12 कबाइल में से 12 मोअज़्ज़िन या लीडर्स को चुनकर उस मुल्क में जो वादा का मुल्क था कनान, उसमें वो भेजते हैं। वो
जो 12 लोग थे वो वहां पर 40 दिन तक रहते हैं, और 40 दिन के क्याम के दौरान वो पूरे मुल्क का चक्कर काटते हैं और उसका हर एक पहलू से उस सरजमीन का, उस देश का जायजा लेते हैं। 40 दिन के बाद जब वो वापस दश्ते फरान में वापस आते हैं तो वो दो तरह की खबरें लेकर आते हैं, दो तरह की खबरें, गेब और कट्ठे। मुतालिया उन्होंने इकट्ठा किया लेकिन उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो दो तरह की थी, दो तरह की खबरें लेकर आते हैं। पहली खबर मुस्बत, पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज, और वो है अदद की किताब उसका 13 बाब उसकी 28 साल में। क्या होता है कि वो पहले आकर क्या बताते हैं मूसा और बनी इसराइल को, कि उस मुल्क में दर हकीकत दूध और शहद बहता है, यानी वो सरजमीन इंतहाई जरखेज है। और सबूत के तौर पर उन्होंने बनी इसराइल की तमाम जमात को वहां के फल यानी अंगूर, अनार और अंजीर दिखाए, और उसके बाद नेगेटिव न्यूज यानी मनफी खबर, और वो है 13:29 आयत में, और वो क्या है, वो कहते हैं लेकिन वो लोग जो वहां रहते हैं बाशमून, उनाक, हित्ती, अमूरी और कैनानी वगैरह, वो इंतहाई जोरावर हैं और उनके शहर फसीलदार और बड़े हैं। लिहाजा वो लोग ये सोच सुनकर बनी इसराइल की जमात घबरा जाती है। ऐसे में तालिब जो उन 12 अशखास में से एक था, तालिब, वो आगे बढ़ता है और वो लोगों की धारस बंधाता है, उनको हौसला देता है और उनको उम्मीद की खबर देता है। वो क्या कहता है 13:31 उसकी 31 आयत में, तालिब ने उन्हें रोका या चुप कराया और कहा कि हम चढ़ेंगे और मुल्क को ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें उसके लेने की ताकत है, हमें उसके लेने की ताकत है। अगरचे वो लोग बहुत बड़े हैं, अगरचे वो फसीलदार हैं, लेकिन तालिब उनको कहता है कि हम ये ले लेंगे क्योंकि हमें उनको लेने की ताकत है। और ये ताकत कहां से आई है वो जानता था, रब्बुल अफाद यहोवा यानी से। लेकिन वो जो 10 लोग उसके साथ दूसरे होते हैं, कालिब और यीशु बिन नून जो थे वो एक तरफ थे, वो मुस्बत सोच रहे थे, वो उन 12 में से दो शख्स मुस्बत थे और वो मुस्बत खबर, अच्छी खबर लोगों को दे रहे थे, लेकिन वो 10 जो थे उनका फोकस जो था वो नेगेटिविटी पर था, वो बुरी चीजें उन लोगों को बताना चाहते थे। लिहाजा जब कालिब उनको तसल्ली देता है और उम्मीद दिलाता है कि उनको उस मुल्क को लेने की ताकत है, तो वो 10 एकदम से बोल पड़ते हैं 13:32 आयत में। वो क्या कहते हैं कि वो लोगों को कहते हैं कि हमें उन लोगों पर चढ़ाई करने की ताकत नहीं, तालिब कहते हैं कि हमें वो ताकत है, वो कहते हैं हम वो ताकत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो मुल्क अपने बाशिंदों को खा लेता है। हालांकि पहले उन्होंने कहा कि वो इंतहाई जरखेज है और उसका फल भी उनको दिखा है, लेकिन अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो मुल्क अपने बाशिंदों को ही खा लेता है, वहां के बाशिंदे कादावर बल्कि जबार हैं और हम उनके सामने टिड्डियों की मानिंद है। लिहाजा वो पूरा जोर जो है वो नेगेटिविटी की तरफ, कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, और वो ही हुआ जिसका खतरा था। मतलब कि आपको और मुझे इल्म है कि मुस्बत खबर की बजाय मनफी खबर ज्यादा तेजी से फैलती है, ज्यादा तेजी से फैलती है। ये कोरोना वायरस की तरह मनफी सोच भी वबाई है, मनफी सोच जो होते वो वबाई है, वबाई, जिस तरह कोरोना वायरस एक मुल्क से पूरी दुनिया में फैल गया, उसी तरह जो है वो नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग इस
कॉन्टेजियन, ये वबाई है, कॉन्टेजियस है। और इसी तरह वो भी पूरी जमात में जो है वो नेगेटिविटी या जो गलत खबर है या जो मनफी सोच है या मनफी खबर है वो फैल जाती है, वो सराहत कर जाती है। लिहाजा मनफी प्रोपोगंडा जो है बन इसराइल की जमात में वबा की तरह फैल गया। और क्या हुआ कि वो बन इसराइल जो थे वो पूरी जमात मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे और क्या कहने लगी, कहते लगे कि काश हम इस बियाबान में मर जाते, काश हम इस बियाबान में मर जाते, हमारे लिए अच्छा है कि हम मुल्क मिस्र को वापस लौट जाएं, उस गुलामी में वापस लौट जाएं, और काश ऐसा होता कि हम इसी बियाबान में जो है वो मर जाते। वो अपनी मनफी सोच और मुंह से निकले हुए मनफी और जहर आलूदा अल्फाज के मुताबिक पाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नफ्सियात भी यही बात करती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी शख्सियत बन जाती है, वैसी हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, और जो शब्द या अल्फाज हम मुंह से निकालते हैं वो अपने अंदर इतना असर रखते हैं कि वो जो है वो हमारी पूरी जिंदगी को जो है वो बदल कर रख देते हैं। अब ये मनफी अल्फाज, मनफी जुमले कि काश हम इसी बियाबान में मर जाते, आओ हम वापस मिस्र को लौट जाए उसी गुलामी में, लिहाजा जो बनी इसराइल थे वो अपनी मनफी सोच और मुंह से निकले हुए मनफी और जहर आलूदा अल्फाज के मुताबिक पाते हैं। कैसे? यहोवा यरी खुदावंदों का खुदा उसी वक्त फरमाता है, अदद की किताब 14 बाब और उसके 28 आयत में सुने क्या कहता है खुदावंद, मेरी जिंदगी की कसम जैसा तुमने मेरे कानों में कहा मैं वैसा ही करूंगा, मेरी जिंदगी की कसम कि जैसा तुमने मेरे कानों में कहा मैं वैसा ही करूंगा, इसी बियाबान में तुम्हारी लाशें गिरेंगी, 40 बरस तक तुम्हारे लड़के आवारा फिरेंगे। और ऐसा ही हुआ कि 20 साल से ऊपर जितने लोग थे वो सारे उसी बियाबान में मारे गए और उसी बियाबान में उनकी लाशें जो थी वो बिखर गई, और फिर जो बाकी थे वो वापस उनको जाना पड़ा, और फिर 40 बरस तक वो उस बियाबान में उस दश में जो है वो फिरते रहे, आवारा होते रहे, यहां तक वो सारे वहीं पर मर गए, क्योंकि खुदा ने कहा था अदद की तरह उसके 14 बाब में उनकी मनफी सोच के रद्द अमल के तौर पर कि ये जो 12 लोग मैंने भेजे हैं ये 40 दिन तक उधर रहे थे, लिहाजा एक दिन एक साल के बराबर, लिहाजा तुम अब 40 साल तक इस बियाबान में आवारा फिरते रहोगे और यहां तक कि तुम्हारी जानें खत्म हो जाएंगी इसी बियाबान में। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और सिवाय कालिम और यीशु बिन नून के और कोई भी उस वादा की सरजमीन में, उस कैनान की खूबसूरत और सरखेज जमीन में दाखिल नहीं होता, क्योंकि वो दोनों जो थे वो मुस्बत सोच के मालिक थे, उनमें उम्मीद थी, उनमें ईमान था और उनकी नजर खुदा पर थी। लिहाजा उसी खुदाओं में मेरे अज़ीज़ों, अभी जबकि हम कोविड-19 की वबा के दरमियान ज्यादातर मीडिया को देख रहे हैं, क्या प्रिंट मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और क्या सोशल मीडिया, तो इज्तमाही तौर पर बात करता हूँ, इज्तमाही तौर पर जो है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जो है वो मनफी सोच और रुझानात की भरमार कर रहे हैं, अपने आप वो हर वो बुरी खबर दे रहे हैं जिसकी वजह से सनसनी फैले और उनकी रेटिंग जो है वो बढ़े। मैं आपको अभी ये नहीं कह रहा कि आप खबरें सुनना बंद कर दें, जस्ट सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करना बंद कर दें, नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को बाखबर जरूर रखें,
मगर मनफी सोच और खबरों से अपने जहनी अपने जहन और रूह को जहर आलूदा ना करें। अपने आप को बखबर जरूर रखें, लेकिन ये जो मनफी सोच और मनफी प्रोपेगंडे से अपने जहन को और अपनी रूह को जहर आलूदा ना करें। इससे इंसान ना सिर्फ जहनी अमराज, जिनका जिक्र अभी मैंने किया चंद जहनी अमराज का, जिनमें डिप्रेशन, टेंशन, एग्जाइटी, इससे ना सिर्फ जहनी अमराज का शिकार होता है बल्कि उसकी जिस्मानी सेहत भी मुतासर होती है, क्योंकि जिसको डिप्रेशन, एग्जाइटी है, टेंशन है, उसका लाजमन ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी जो है वो हाई होता है। उसकी घरेलू जिंदगी भी जो है वो भी नॉर्मल नहीं होती, इसकी वजह से हमारी घरेलू जिंदगी भी मुतासर हो रही है। आपको पता है कोविड-19 के दौरान रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बढ़ा है, इट हैज बीन इंक्रीज्ड रैपिडली, और उसके अलावा जो है वो सेपरेशन और डाइवोर्स के केसेस जो है वो तो कहीं के कहीं जा पहुंचे। लिहाजा ये न सिर्फ हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत को बर्बाद करता है बल्कि हमारी घरेलू जिंदगी को भी बुरी तरह मुतासर करता है, और उसके अलावा हमारे मुआशरे में भी अदम बर्दाश्त, मजहबी जुनूनियत और इखलाक की पस्ती को फरोग देता है। ये होगी इज्तमाई तौर पर। अब इंफरादी तौर पर भी ये हम में से हर शख्स को मुतासर करती है। मसलन हम में से कई लोग अभी बीमार हैं, कोई कोरोना वायरस की वजह से बीमार है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, और कई किस्म की प्रॉब्लम्स में लोग अपने अपने घरों में हैं। हम जब जाते हैं लोगों के पास हाउस विजिट के लिए इन दिनों भी, और ख़ास तौर पर उन मरीजों के पास जाते हैं जो चर्च नहीं आ सकते, जो उठ बैठ ये चल नहीं सकते, जब हम उनको पाक शराकत देने जाते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी तादाद जो है वो घरों में बीमार पड़ी है। अब अगर ये जो बीमार है, चाहे वो जहनी बीमार है या जिस्मानी बीमार है, जब हम इंफरादी तौर पर, अब मैं ले रहा हूँ, अगर मैं बीमार हूँ और मैं कहूँ कि मुझे नाकाबले इलाज बीमारी लग गई है, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया है मैं बचने वाला नहीं हूँ, मेरी मौत करीब है, मैं करीब और मर हूँ और हाय हाय करता रहूँ, तो यकीनन ये सोच जो है वो मुझे जो मेरे दिन जीने के हैं उनमें भी वो मुझे मार देगी, और यकीनन मैं अपनी कब्र में जा पड़ूंगा, यकीनन मैं कभी भी उस बीमारी से शिफा नहीं पा सकता, क्योंकि माइंड कंट्रोल्स अवर बॉडी, और अगर आपका माइंड ही मायूस हो चुका है, फ्यूज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मनफी हो चुका है, तो उसका बड़ा बुरा असर बॉडी पर पड़ता है। ये मेडिकल के लोग भी जानते हैं और साइकोलॉजी के लोग भी इस बात को जानते हैं। यहाँ अगर कोई बेरोजगार है, कोरोना के वायरस के बाइस कई लोग, लाखों के तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं, बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी। अब वो जो बेरोजगार हो गए वो बैठे हुए हैं और मायूसी का शिकार है, और बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे नौकरी किसी ने नहीं देनी, चाहे मैं भेज देता हूँ सीवी, लेकिन मुझे पता है कि नौकरी मुझे नहीं मिलनी। जब पहले ही ना पड़ गई है, पहले ही मायूसी आ गई है, तो आप यकीन करें कि आपको बाइज्जत रोजगार जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा। इसी तरह जो जोड़े बे औलाद, और जी 5 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, बड़ा इलाज कराया, बड़े दुआएं की, हमारी औलाद नहीं होती, मुश्किल है, अब हमारी औलाद हो भी नहीं सकती, मुश्किल है, नहीं हो सकती, वो भूल जाते हैं कि इब्राहिम को खुदा ने बुढ़ापे में सारा को औलाद दे दी थी, वो भूल जाते हैं कि यूहन्ना सफागी अपने वालदैन जब उसके बूढ़े थे तो उसके उनके घर में पैदा हो सकता है, और वो भूल जाते हैं कि बाइबल मुकदस में लिखा कि अगर खुदा चाहे तो पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है, लेकिन जब वो कहते हैं नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो वो नहीं होगी, वो कभी भी नहीं, क्योंकि आपका माइंड जो है इस बात को तस्लीम कर चुका है कि ये नहीं होगी, तो ये नहीं होगी, चाहे उसके बाद जो मर्जी कर ले, ये नहीं होगी।
तो आप इसका हल क्या है, हल इसका क्या है मेरे अजीजों? इसका हल ये है, मैं आपको बताता हूं, इसका दो तीन हल है जो मुख्तसर मैं आपके सामने रखूंगा। आप बीमार हैं, आप बेरोजगार हैं, आप बेऔलाद हैं, आप घरेलू नाचाकी का शिकार हैं, आप वैसे ही अपने अंदर एहसास कमजोरी और नफसियाती किसी मर्ज का शिकार हो गए हैं, तो याद रखें कि अपने आप को इस वीडियो के देखने के बाद अपने आप को ये याद दिलाएं, या अपनी आंखें बंद करें और अकेले बैठकर या आईने के सामने खड़े होकर हमेशा ये बात अपने आप को कहें कि मैंने आज से मैंने ये नहीं देखना कि मेरा मसला और मेरा मुखालिफ कितना बड़ा है। इसराइलियों ने उन 10 लोगों ने आकर कहा ना कि वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, जबार हैं, बड़े कद्दावर हैं, बड़े जोरदार हैं, और वो मुल्क जो है फसीलदार है और बड़ा मजबूत है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आपने अपने आप को कहना है, अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि मैंने आज से ये नहीं देखना कि मेरा मसला या मेरा मुखालिफ कितना बड़ा है, मैंने ये देखना है कि मेरा खुदा कितना बड़ा है, मैंने ये देखना है कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। यीशु बिन नून और तालिब की नजर खुदा पर थी, इसीलिए मुस्बत थी, उनकी नजर खुदा पर थी जो उनको फेराउन जैसी सुपर ताकत, उस वक्त फेराउन के जो मिस्र था वो सुपर ताकत थी, उस जैसा कोई मुल्क नहीं था ताकत, जो उनको फेराउन जैसी सुपर ताकत से छुड़ाता, बैरे कुलजम के सीने को चीर कर उनके लिए रास्ता बनाता, खुश चट्टान से उनको पानी पिलाता, वीराने में उनको मन खिलाता, धूप में उन पर बादल बनकर साया करता और तारीकी में रोशनी का मीनार बनकर उन्हें रास्ता दिखाता, रास्ते में आने वाले दुश्मनों को शिकस्त देता हुआ वो उन्हें वादा की सरजमीन के पास लाता है। लिहाजा ये सब कुछ यीशु बिन नून और कालिब के ज़हन में था, उनकी नजर खुदा पर थी जो अजायबात और कुदरत का मालिक है, जिसके नजदीक कोई चीज नामुमकिन नहीं, इसलिए वो पॉजिटिव थे। जबकि बाकी जो 10 आदमी थे उनकी नजर अपने मुखालफीन पर थी, वो जो कादावर है, वो जिनके शहर फसीलदार है, वो जिनका मुल्क मजबूत है, उनकी नजर उन पर थी, लिहाजा वो मायूसी, नाउम्मीदी और जो मनफी सोच का शिकार हो गए। आपने आज कालिब और यीशु बिन नून की तरह ये देखना है कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। उसके बाद दूसरा जो हल वो ये है कि पालूस रसूल हमें एक बात बताते हैं, वो भी याद रखें। ये वो लोग जो गिला शिकवा करते हैं, कह जी वेखो जी खुदा ने साढ़े ते किड्डी वड्डी मुसीबत भेज दी है, जी खुदा ने किड्डा वड्डा साढ़े नाल जुल्म कर, इतों तक कहते हैं कि खुदा ने साढ़े नाल किड्डा वड्डा जुल्म कर दिता है जी, असी एक इन्ने जोगे है भी नहीं मिल सकते। ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए क्या? पालूस रसूल का पहला खत ग्रंथियों के नाम 10:13 है, उसमें क्या लिखा है? पालूस रसूल कहता है कि खुदा हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हम पर आजमाइश नहीं भेजता, वो जिसने हमें बनाया है, वो जिसने हमें अपनी माँ के पेट में बुना है, वो जो हमारा खालिक है, उसको पता है कि हम कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, उसको पता है कि हम कितना जो है वो आजमाइश को झेल सकते हैं। लिहाजा पालूस रसूल करंथियों के नाम पहला खत 10 बाब उसके 13 आयत में लिखते हैं कि खुदा हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हम पर आजमाइश नहीं भेजता। लिहाजा अगर आप किसी किस्म की भी मुसीबत में मुब्तला हैं, तो आप याद रखें कि इससे निकलने की आपके पास सलाहियत है और आपके पास वो ताकत है, जैसे कालिब कहते हैं कि हमें वो ताकत है कि हम उन पर फतह पा सकें। आप में भी वो कुवत है, आप में भी वो ताकत है, आप में भी वो काबिलियत है, और इस कुवत और इस काबिलियत को देने वाला आपका खुदा है कि जो सबसे बड़ा है, कादर है, कादर मुतलिक, इसीलिए हम उसको कहते हैं कादर मुतलिक, ऑलमाइटी, ये याद रखिए। और तीसरी बात जो अपने जेन में रखनी है,
वो ये है अपनी शनाख्त, अपनी शनाख्त को हमेशा अपने सामने इस तरह आईने की तरह रखो। अपनी शनाख्त कौन सी शनाख्त? मसीही शनाख्त, क्रिश्चियन आइडेंटिटी, मसीही शनाख्त। यीशु बिन सलाह और मालिक कालिब को पता था कि वो चुने हुए लोग हैं, दे आर द चोजन वन, वो अहद के लोग हैं, खुदा ने उनके साथ अहद बांधा हुआ है, किसी और के साथ नहीं, उनके साथ उनको चुना है, उनको वो लेकर आया, वो वादा के लोग हैं, वो अहद के लोग हैं, वो चुने हुए लोग हैं, इसलिए वो घबराए नहीं थे। हमें भी अपनी मसीह शनाख्त को सामने रखना चाहिए। और वो मसीह शनाख्त क्या है, मैं आपको आपके सामने पढ़ देता हूं बाइबल मुकद्दस में से कि हम असल में हम कौन है, असल में हम कौन है। सुनिएगा पत्रस रसूल का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत। लेकिन तुम, हम सब, लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल, शाही कहानत, मुकद्दस कौम और मेराज की उम्मत हो। हमारी शनाख्त देखें कि हम चुनी हुई नस्ल, शाही कहानत, मुकद्दस कौम और मेराज की उम्मत है। और यूहन्ना रसूल उससे भी एक हाथ आगे जाता है। यूहन्ना रसूल उसका पहला खत 3 बाब उसकी पहली आयत, फिर पहली 2 आयत, मैं दूसरी आयत पढ़ता हूं आपके सामने। वो क्या कहता है, ऐ प्यारो हम खुदा के फर्जंद हैं, वी आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ गॉड, हम खुदा के फर्जंद हैं और ये तो अब तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर हम ये जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। सो, अगर आपको यीशु बिन नून और कालिब की तरह अपनी शनाख्त याद है ना, बपतिस्मा याफ्ता है ना आप सारे, हर बपतिस्मा याफ्ता को अगर ये यकीन है, उसका ईमान और उसको याद है ना कि मैं तो चुनी हुई नस्ल, शाही कहानत, मुकद्दस कौम और मेराज और मेराज की उम्मत हूँ, और मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं खुदा का बेटा और खुदा की बेटी हूँ, तब ना वो एग्जाइटी होगी, ना वो टेंशन होगी, ना जहनी अमराज होंगे, ना जिस्मानी अमराज होंगे, ना मायूसी होगी और ना उम्मीदी होगी। अब कई लोग मेरी ये बात सुनकर कह रहे होंगे कि जी चलो हमें तो पता है कि हम कौन है, लेकिन हमारे मुखालफीन को तो नहीं पता, तो वो तो हम पर जुल्म और जबर और इस्तेसाल जारी रखेंगे। ऑफ कोर्स, लेकिन आपको तो पता है। और क्या कहते हैं मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले खत उसके 3 बाब की पहली आयत में क्या कहते हैं, सुनिए, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि हम खुदा के फर्जंद हैं, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना था, यीशु मसीह को उसको भी नहीं जाना था कि वो कलमा खुदा, इब्ने खुदा और खुद खुदा है, उसको भी उन्होंने सलीब पर लटका दिया था, लेकिन आखिर पे उन्होंने मौत और कब्र पर जिंदा होकर से निकल कर फतह पाकर ये साबित किया था कि उनकी असल शनाख्त क्या है, और उन्होंने अपनी असल शनाख्त के मुताबिक अपने आप को मनवाया था। सो वी कैन डू द सेम। इसलिए मायूस जब भी हो, नाउम्मीदी जब भी आए, हालात जब भी खराब हों, ये याद रखिएगा कि हम कौन हैं, और ये भी याद रखिएगा कि हम जिस खुदा पर ईमान रखते हैं वह जिंदा वाहिद ला शरीक कादर मुतलक खुदा है, जो सब कुछ करने पर कादिर है। लिहाजा हमारे सामने कोई मायूसी, कोई नाउम्मीदी, कोई एग्जाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई जिस्मानी बीमारी ठीक और खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम फाते हैं, फाते ईच वन नफस, ईच वन नफस, जो भी बैप्टाइज्ड है वो फाते हैं, और फतह पाना हमारा जो है, फतह पाने की कुव्वत जो है वो हमें खुदा ने दी हुई है। अपनी सलाहियत को पहचाने, अपनी खुदा की तरफ से दी हुई कुव्वत को पहचाने, इस्तेमाल करें,
जिंदों की सरजमीन पर जिंदा रहे, खुश रहे, हालात चाहे कैसे भी हों। गालिब के अल्फाज याद रखें, हमें इन पर गालिब आने की कुव्वत हमारे पास है, हमें इस पर गालिब आने की जो है वो ताकत है। खुश रहें, आबाद रहें मसीह हमारे खुदा के वसीला से। आमीन।